सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, आप ये पाठ देख रहे हो, इस पाठ का क्या नाम है? कुड़ 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 कुड़, ठीक है। अब आप ये बताओ, आपको क्या लगता है ये किसके बारे में होगा, कौन होगा कुड़ कुड़, बताओ, सोचो थोड़ा सा। ये चीज़ सोच के आपको अपने पेरेंट्स को बतानी है, ठीक है। अब ये जो चित्र आपके सामने है, इस चित्र में आपको कौन नज़र आ रहा है? ये लड़का है, ये दादा दादी हैं, ये लड़की हैं, और कौन है? ये देखो, आम का पेड़ है, क्यों? क्योंकि ये आम लगे हुए हैं। और ये कौन है, ये कौन है बताओ? मुर्गी या मुर्गा है ना। तो हम देखते हैं कि अब क्या होता है इस कहानी में। कुड़ 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 कुड़, ठीक है। कुड़ कुड़ अभी किसका नाम है ये हमें नहीं पता है, जब हम कहानी पढ़ेंगे तो हमें इसके बारे में पता चलेगा। यहाँ से पढ़ते हैं नीचे से। एनजी और राजा गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के घर आए हैं। एनजी कौन है और राजा कौन है? एनजी इस बच्ची का नाम है, और राजा कौन है? ये हैं। ये कौन है? इनके दादा दादी हैं। ये कहाँ आए हैं? दादा दादी के घर पे आए हैं, ठीक है। उनके दादा दादी के घर के बगल में एक आम का पेड़ है, ठीक है। जैसे कि ये घर है, इस घर के यहाँ बगल में आम का पेड़ है, जिस पर पीले पीले आम लगे हुए हैं। आम पीले होते हैं, जब वो कच्चे होते हैं तो उनका कलर कौन सा होता है? हरा, ठीक है। दादी के पास एक मुर्गी है, दादी मुर्गी को टोकरी के नीचे रखती है, मुर्गी उसमें अंडे देती है। एनजी को अंडे बहुत पसंद हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होंगे और बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे, यानी जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो अंडे नहीं खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो अंडे खाते हैं, तो ठीक है। तो दादी उस मुर्गी को कहाँ रखती थी? एक टोकरी के अंदर। टोकरी कैसी होती है? बांस की होती है, जिसमें इस टाइप से जालियाँ सी बनी होती हैं, ठीक है। इस टाइप से जालियाँ बनी होंगी, और वो दादी जो है उस जो मुर्गी है उसको इस टोकरी के अंदर रखती है। जाली वाली क्यों टोकरी होती है? ताकि हवा जो है ईजीली आस पास जा सके, और ताकि वो सांस ले सके, ठीक है। अगर हम किसी बंद डिब्बे में मुर्गी या किसी भी जानवर को रख लेंगे फिर तो वो मर जाएगा, है ना। तो इसीलिए वो दादी जो थी मुर्गी को टोकरी के अंदर दबा के रखती थी ताकि वो भागे ना, और वो अंडे वहीं पे देती थी। एनजी को बहुत अंडे पसंद थे। अब नेक्स्ट पेज है। एक दिन एनजी और राजा ने सोचा कि क्यों ना मुर्गी को पकड़ कर उसके अंडे दिलवाएं, ठीक है। एक उन्होंने बच्चों ने क्या किया, बच्चे तो शरारती होते हैं, आप लोग भी शरारती हैं, तो उन्होंने क्या क्या सोचा? एक दिन एनजी और राजा ने सोचा क्यों ना मुर्गी को पकड़कर उससे अंडे दिलवाएं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। राजा ने टोकरी उठाई। अब राजा कौन था? ये लड़का था। इसने टोकरी उठाई, देखो ये इसके हाथ में टोकरी है, ठीक है, और दोनों भागे मुर्गी को पकड़ने। अब दोनों जो क्या था, मुर्गी को पकड़ने के लिए भागे। मुर्गी कुड़कुड़ कुड़कुड़ करती हुई पेड़ के पीछे भाग गई। अब ये देखो, पेड़ के पीछे जो है मुर्गी भाग रही है, ठीक है। ये देखो पेड़ है, यहाँ पेड़ के पीछे मुर्गी आपकी भाग गई। यहाँ से देखो रास्ता सा दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर राजा मुर्गी तक पहुंचने ही वाला था कि वह उड़कर पानी की टंकी पर चढ़ गई। अब ये पानी की टंकी होती है, इसके ऊपर मुर्गी चढ़ गई। जैसे ही राजा ने सोचा कि अब तो ये मेरे हाथ में आने वाली है, लेकिन मुर्गी तो चालाक थी, तो उसने क्या किया, वो टंकी के ऊपर चढ़ गई। एनजी और राजा वहाँ पहुँचे तो मुर्गी एनजी की टांगों के नीचे से कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते हुए भागी। अब एनजी यानी जो लड़की थी उसकी टांगों के बीच में से मुर्गी ऐसे निकल के भाग गई, ठीक है। अब मुर्गी की आवाज़ क्या होती है? कुड़कुड़ कुड़कुड़, ठीक है। अब एनजी और राजा तेज़ी से मुर्गी के पीछे भागे। अब एनजी और जो राजा थे वो दोनों बहुत तेज़ी से, अब उनको परेशान हो गए थे वो दौड़ दौड़ के, है ना,
क्योंकि अगर आप एक किसी चीज़ के पीछे दौड़ते चले जाते हैं तो एक टाइम के बाद आप थक जाते हैं, तो लेकिन वो फिर भी उसको पकड़ने के लिए पूरी तेज़ी से भाग रहे थे। राजा के हाथ में टोकरी छूटी, राजा के हाथ से टोकरी जो है वो छूट गई और हवा में उछली। देखो ऐसे वो गिरा और टोकरी उछल गई, ठीक है। और राजा फिर जस्ट मैंने राजा के हाथ से टोकरी छूटी और हवा में उछली और राजा गिरा धड़ाम। राजा कैसे गिरा? धड़ाम। हमने जो पहले वाली जो हमारी इस बुक की फर्स्ट वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें भी धड़ाम का साउंड आया था, है ना, यानी गिरने का साउंड कैसा होता है? धड़ाम वाला। अब आगे देखते हैं। एनजी और राजा थक हार कर पेड़ के नीचे बैठ गए। अब वो बेचारे थक गए थे बहुत बुरी तरीके से उस मुर्गी के पीछे दौड़ दौड़ के, तो थक हार के वो पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी वहाँ दादाजी आए और उनके साथ आई कुड़कुड़ कुड़कुड़। अब दादाजी के साथ कौन आई बताओ? कौन है यहाँ पे पिक्चर में? कुड़कुड़ है, देखो ये रही, ठीक है। करती उनकी मुर्गी, यानी ये दादाजी की जो मुर्गी थी ये कुड़कुड़ करती हुई दादाजी के साथ आ गई। फिर क्या था? एनजी और राजा मिलकर बोले कुड़कुड़ कुड़कुड़, और दोनों ने मिलकर क्या कहा? कुड़कुड़ कुड़कुड़, ठीक है। तो यानी उन बच्चों ने अंडे पाने के लिए मुर्गी को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनसे वो मुर्गी पकड़ी नहीं गई। वो काफ़ी दौड़े, काफ़ी थक गए वो उसके पीछे, है ना। कभी वो मुर्गी टंकी पे चढ़ रही थी, कभी वो पेड़ पे चढ़ रही थी, कभी वो एनजी है उसके टांगों के बीच में से निकल रही थी, लेकिन थक हार के बच्चे बैठ गए। लेकिन आखिर किसने पकड़ा कुड़कुड़ को? दादाजी ने पकड़ा, है ना। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इस चैप्टर को अपने पेरेंट्स के साथ पढ़िए वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। और जिस टाइप से मैंने आपको ये स्टोरी पढ़ के सुनाई है, और आपको भी इसी टाइप से अपने पेरेंट्स को स्टोरी पढ़ के सुनानी है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।